दोस्तों उम्मीद है आप ठीक होंगे, अल्लाह ताला आपको इसी तरह हंसता हो मुस्कुराता रखे। दोस्तों आज बाहर आया था मैं अपनी फैमिली के साथ और मेरा जी चाहा कि मैं कुछ ऐसी बातें आपके साथ ज़िंदगी में शेयर करूं जो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हों आपके लिए। अगर आप चाहते हैं आप ज़िंदगी में अमीर हो जाएं, चाहे वो दिल के अमीर हों, चाहे वो ज़हनी तौर पर अमीर हों, चाहे वो जेब के अमीर हों, तो दोस्तों आप तीन बातों का ख्याल रखें अपनी ज़िंदगी में, तो यकीन जानिए आपकी आने वाली ज़िंदगी बहुत खुश गुजरेगी और आप दिल के भी बहुत मुतमईन होंगे, आप ज़हनी तौर पर भी बहुत मुतमईन होंगे और आपकी जेब में अगर थोड़े भी पैसे हैं तो यकीन जानिए आप अपने आप को बहुत अमीर समझेंगे। लेकिन इन तीन बातों का ख्याल रखना है दोस्तों आपने, वो बात है ये कि डिवाइड योर अर्निंग इन थ्री पार्ट्स। दोस्तों अपनी ज़िंदगी में जो भी आपने कमाया है, जो भी हासिल किया है या जो भी अर्न कर रहे हैं, उसको तीन हिस्सों में तकसीम कर लें दोस्तों। दोस्तों सबसे पहला हिस्सा ये कि जो भी आप अर्न करें उसमें 10% अल्लाह की राह में देना शुरू कर दें। वो जो 10% आप अल्लाह की राह में देना शुरू करेंगे वो 700 गुना, क्योंकि अल्लाह ताला ने वादा किया है कि जो आप अल्लाह की राह में खर्च करेंगे वो 700 गुना बढ़ के वापस आएगा। तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है दोस्तों कि जब आप अल्लाह की राह में कोई चीज़ खर्च करते हैं, अगर आप 1 रुपया देंगे तो वो 700 रुपये बन के वापस आएगा, अगर आप 10 रुपये देंगे तो वो 7,000 रुपये बन के वापस आएगा। और ये आप लिखवा लें आप अपनी ज़िंदगी में कि ये ऐसे ही होगा और इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। लेकिन अगर आपकी नीयत साफ़ होगी और आप अल्लाह ताला के साथ आपके मामलात बहुत अच्छे होंगे तो यकीन जानिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे ही होने वाला है। तो सबसे पहले ये जहन में रखें कि 10% अपनी ज़िंदगी का जो आपने अर्न किया है डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे 10% अल्लाह की राह में देना शुरू कर दें, तो आप अपने आप को बहुत दिली तौर पे मुतमईन फील करना शुरू कर देंगे और आपकी जेब में पैसे भी कभी खर्च नहीं होंगे। आप चाहे वो थोड़े पैसे हों लेकिन आपको आपकी जेब भरी हुई फील होगी और आपको किसी के आगे हाथ भी नहीं फैलाना पड़ेगा दोस्तों। और दूसरी बात दोस्तों कि 30% आप अपनी फैमिली के ऊपर खर्च कर लें, लेजर टाइम के ऊपर खर्च करें, घूमें फिरें, रिलैक्स हों, दुनिया देखें, चाहे अपना शहर देखें, अगर आपके पास अल्लाह ने ज़्यादा पैसे दिए हैं तो दुनिया देखें, दुनिया को तस्खीर करें। अल्लाह ताला ये कहता है कि मेरी दुनिया को देखो, गौर करो, फिक्र करो। उन 30% पैसों से आप दुनिया को देखें, लोगों को देखें, गौर करें, अपनी फैमिली को टाइम दें, अपनी फैमिली के साथ घूमें, तो 30% ये हो गया दोस्तों। और 60% जो बाकी बचेगा दोस्तों उसको सेव करें अपने आने वाली ज़िंदगी के लिए, अपनी गमी के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने बच्चों के लिए। कहीं भी कोई भी ऐसा इंसिडेंस आपकी ज़िंदगी में आता है तो आपके पास 60% वो पैसा होना चाहिए जो आप अपनी ज़िंदगी के आने वाले वक्त के लिए सेव करें। दोस्तों फॉर एग्ज़ाम्पल आप 100 रुपये कमाते हैं तो 10 रुपये आप अल्लाह की राह में खर्च कर दें, 30 रुपये आप अपने ऊपर अपनी फैमिली के लिए खर्च करें और 60% आप जो है सेव करें अपने आने वाली ज़िंदगी के लिए, गमी खुशी के लिए। तो यकीन जानिए आप ज़हनी तौर पर भी मुतमईन होंगे, आप जिस्मानी तौर पर भी अपने आप को रिलैक्स समझेंगे और आपकी जेब में अगर थोड़े भी पैसे हैं ना तो थोड़े पर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना आपको आ जाएगा। और नेचुरली मैं आपको बताऊँ एक वक्त आप ऐसा भी आएगा कि आप बहुत ज़्यादा अमीर भी हो जाएंगे और बहुत रिच भी हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कमर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।